हर्ष फायरिंग में रोक के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी तक तो पुरुष ही हर्ष फायरिंग कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से सामने आया है, जिसमें दुल्हन की पोशाक में सजी युवती ने पहले रिवाल्वर से फायर किया, फिर होने वाली पति का हाथ पकड़कर जयमाल के लिए स्टेज पर कदम रखा। जबकि शासन व प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रम में लोगों की संख्या निर्धारित करते हुए हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो जठवारा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का बताया जा रहा है। उस वीडियो में फिल्मी गानों के बीच लोग खुशी से झूम रहे हैं। इस बीच जयमाल के लिए स्टेज पर दुल्हन को परिजन लेकर पहुंचते हैं, मगर दुल्हन अपने होने वाले पति के हाथ को पकड़ने के बाद भी स्टेज पर नहीं चढ़ी, उसके कदम रुक गए। वह दूसरे हाथ से रिवाल्वर से हवाई फायरिंग करने के बाद स्टेज पर कदम रखा। उसके फायर करते ही तालियों से परिसर गुंजायमान हो उठा। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रहिए ना बेखबर, देखिए प्रतापगढ़ जिले की खास खबर। नेशनल न्यूज़ आप तक पर कुलदीप कुमार के साथ।